असल में गायज मैं हूँ सुबह गदस अपने नए के साथ और आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी देर बाद वीलॉग आता है और इतना टाइम देती है और फिर वीलाग जो है वो अपलोड होते हैं वजह यह है कि मैंने कुछ देर पहले कम्युनिटी पेज पे जो इंसिडेंट मेरे साथ पेश आया पिछले दिनों मेरे फादर की डेथ हो गई थी तो उसकी वजह से उसकी वजह से मैं वीलाग नहीं बना सकी तो अभी आपको पता है ज़िंदगी की सारी चीज़ें ये हाथ साथ भी रूनमा होते रहते हैं हमारे अपने चले जाते हैं कुछ अपने आ जाते हैं मतलब अपने फैमिली मेंबर की इजाफा होता है आना जाना ज़िंदगी में आपको पता लगा लगा रहता है लेकिन इसके साथ जो सोशली जो मामला हैं उनको भी आपको पता साथ लेके चलना होता है दिल तो नहीं था कह रहा कि शादी थी हमारे ऑनर है उनकी छोटी बेटी की शादी है उसको अटेंड करना था तो परसों मेहंदी थी मेहंदी पे भी हम लोग इनवाइटेड थे लेकिन मेरा दिन नहीं थका रहा क्योंकि अब बुक बुकदात के बाद पहला फंक्शन था जिसको अटेंड करना था तो आज ज़हर सी बात है जाना पड़ा क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रही थी वो भी सारी सिस्टर हैं और मुझे और मेरे हस्बैंड को वो भाई और बहन की तरह समझती हैं तो मैंने कहा चलो ज़िंदगी के मामला तो चलते रहते हैं अब इन चीज़ों को भी साथ साथ ले चलना है हर चीज़ रुकती नहीं है तो अभी हम शादी पे जा रहे हैं आज बारात है और मैं अपने पाकिस्तान सब्सक्राइबर को तो पता है कि यहाँ के जो बड़े बड़े शहर हैं इस्लामाबाद कराची लाहौर वगैरह वहाँ पे फंक्शन जो हैं वो रात को ऑर्गेनाइज़ किया जाते हैं स्पेशल इवेंट हो चाहे वो शादी की हैं या सालगिरह वगैरह है और लेकिन यहाँ के जो गांव हैं वहाँ पे दोपहर के टाइम फंक्शन जो ना ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं तो मेरे इंडियन सब्सक्राइबर जो हैं वो आप लोग मुझे फीडबैक में बताइएगा कि वहाँ पे फंक्शन जो है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं क्या टाइमिंग होती है और क्या क्या रसूमात होती भी हैं तो अभी मैंने अपने सारे फैमिली मेम्बर के पहले ड्रेस रेडी किए तो मैंने कहा मैं अपनी फैमिली यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूं कि आप लोग भी आजकल शादियों का सीज़न है पाकिस्तान में स्पेशली जब विंटर होता है तो शादियां जो हैं वो जनाब एक के बाद एक स्टार्ट होती जाती हैं तो मेरे हस्बैंड का भी मैंने ड्रेस वग़ैरह रेडी की है और बच्चों के भी ड्रेस जो हैं वो रेडी किए हैं ऑलरेडी अबू की डेथ से पहले ही हम लोगों ने शॉपिंग की थी कुछ हम लोगों ने आउटिंग पे जाना था लेकिन सडनली ये मामला पेश आया तो अब वो जो ड्रेसेस हैं ये बच्चे शादी पे इस्तेमाल करेंगे तो मैंने तो ड्रेस नहीं बनवाया लेकिन मेरा ऑलरेडी ये दो साल पहले ड्रेस बना था तो मैंने कहा उसी को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि ये मैंने अपनी कज़न की बारात पर पहना था इसकी पिक्चर भी मैं आप लोगों को दिखा दूँगी ये देखें जी औरज कलर है ऊपर मल्टी काम है और ये मेरा फेवरेट कलर भी है देखें ये तारे मोती का काम हुआ है अंदर बीट्स भी लगे हैं वो डायमंड्स भी लगे हुए हैं और ये मैं आप लोगों को बता दूँ ये ब्रांड का ब्रांड की फर्स्ट कॉपी है जो जो कि ये मेरा ड्रेस है ये इसकी बैक साइड है और ये टेल में है ड्रेस आगे से शॉर्ट है और पीछे से लॉन्ग है ये देखें और मज़े की बात मैं आप लोगों को बताऊं इसका जो फ्रंट है वो इसकी बैग था और इसकी जो बैग थी वो इसके फ्रंट था मतलब मैंने अपनी टेक्निक्स से अपने माइंड से मैं मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि मेरी सिस्टर नीला मेरे ड्रेस जो है वो रेडी करती हैं मैंने उनको अपना आइडिया जो है वो समझाया तो उनको समझ आ गई ये बेसिकली ये फ़्रंट था और वो ये जनाब ये जो आगे वाला ये बैक था जो बॉर्डर है तो मैंने कटिंग करवा के इस तरह से स्टाइल बनवा लिया और ब्रांड के जो ड्रेसेस होते हैं उनके साथ बिल्कुल आ, हर चीज़ का पैच मिलता है गले का पैच आपको ये बाजुओं का पैच आपको लेसेस अलग मिलेंगी इवन के ट्राउज़र ट्राउज़र जो है उसकी आपने बॉर्डर लगवाना है वो पैच आप लोगों को मिलेगा तो इसका जो पैच था वो मैंने नहीं लगवाया तो वो पैच जो है वो मैंने किसी और ड्रेस के लिए छोड़ दिया मैंने कहा किसी और ड्रेस पे लगवा लूँगी और ये इसका बाज़ू देखें बाज़ू इसके बड़े प्यारे बने हुए हैं ये ड्रेस वाले ये जो काम वाले सूट होते हैं जिन पर मोती तारे का काम होता है बस ये है कि इनका ये अटकते हैं लेकिन चूँकि मेरी कज़न की शादी थी जब कोई नज़दीकी फंक्शन आए तो आपको पता है इस तरह की चीज़ें जो हैं वो करनी पड़ती हैं और शादी के मेरे ह्याल में पाँच छः साल बाद मैंने ये दोबारा से ड्रेस जो है वो रेडी करवाया और ये मैं आप लोगों को अपने साथ भी लगा के दिखाती हूँ पहन के भी मैं पिक्चर जो है ना आप लोगों को दिखा दूँगी कि मैं किस तरह की लग रही थी अच्छा जी उसके साथ ट्राउज़र जो होता है वो ऑप्शन होता है आप चाहें तो उसके कलर जो उसमें कलर कम्बिनेशन है पर्पल है आ, ये है जनाब गोल्डन कलर है इसके अलावा कॉपर कलर है लेकिन मैंने ये गोल्डन कलर जो है वो डिसाइड किया मैंने कहा मैं यही करूँगी क्योंकि वो सेम सेम जो है वो थोड़ा हो जाता है और ये खड़ा पजामा मैंने इसका स्टिच करवाया था क्योंकि इसके साथ खड़ा पजामा ही चूँकि शॉर्ट वो टेल में शर्ट है उसके नीचे खड़ा पजामा ही अच्छा लगना था बिल्कुल सिंपल है पजामा बिल्कुल सिंपल है क्योंकि ड्रेस पे काम हुआ है अच्छा जी ये देखें इसका दुपट्टा ये देखें जी दुपट्टा जो नाप, ये रेडीमेड था ये इसको लेस ऑलरेडी लगी हुई थी बॉर्डर पे। ये देखें ये रेडीमेड मिला और ये ले, जी ये देखें इतनी बड़ी बड़ी लैस जिस तरह वो बाज़ुओं पे लगी हुई है ना उसी तरह की लैस यहाँ पे भी लगी हुई है ये देखें अच्छा इसमें एक चीज़ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है इसमें मैंने एक ये आइडिया करवाया था जो ब्राइडल्स जो हैं वो इस तरह से पहनती हैं ये देखें बटन लगवाए हैं इसको बाज़ू के अंदर फिक्स करके इस तरह से अगर आपने दुपट्टा सेट करवाना है तो आप इस तरह से भी वो कर सकती हैं तरह से बाजू जो है वो मैंने इस तरह से फिक्स करवाया था चूड़ी की तरह ये बाजू जो है ना ऐसे फोल्ड हो जाएगा वो आपको मतलब हैंग नहीं करना पड़ेगा एक साइड से एक और टिच बटन है वो मैंने लगवा के इसका ये स्टाइल जो था वो थोड़ा सा बटन का बटन की वजह से थोड़ा सा चेंज करवाया था दुपट्टा तो बहुत बड़ा है देखिए डिफरेंट कंबीनेशन है ब्रांड्स का ये तो होता है कि वो जो है स्टाइल जो है वो जनाब आपसे इंट्रोड्यूस करवाते रहते हैं अच्छा जी ये मेरे जनाब हस्बैंड का ड्रेस है ये इन्होंने गुलमद से लिया था हम लोगों ने वॉश एंड वियर है और कपड़े की स्टफ आउट क्लास है आउट क्लास सिंपल आपको पता लड़कों की तो एक ही ड्रेसिंग होती है सिंपल शलवार कमीज और मज़े की बात यह है कि जहेर का भी इसमें से ड्रेस पूरा सेम अपने बाबा की तरह वो भी बन गया लेकिन जहेर आज ये नहीं पहनेगा जहेर की मैंने ड्रेसिंग जो है वो और तरह से करवाई है हाँ जी बच्चों का मैं ले आई वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं शॉर्टली आप लोगों को ब्रीफ कर रही हूँ ये जायना का है तो ये जायना का हमने रोल ओवर से ख़रीदा था ये शर्ट है अंदर से देखें स्टफ़ बड़ी कमाल है मजे की है मैंने आप लोगों को बताया था ना हम लोगों ने ऑलरेडी एक मंथ पहले ही शॉपिंग बच्चों की कर ली थी और ये जनाब इंजन से इसकी पैंट ख़रीदी थी पैंट का स्टाइल देखें जिप लगी हुई है ये ऊपर थोड़ा सा शाइनिंग में है ये बैग पे है और सेपरेट मैंने खरीदी थी सेपरेट खरीदने का ये होता है कि आप डिफरेंट शर्ट्स के साथ या पेंट्स के साथ आप इसको यूज़ कर लेते हैं और ये रेड का रेड इसकी वजह से इसका कम्बिनेशन बन गया और जाइना को ये बनाऊँगी और आपको पिक्चर भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अच्छा जी ये मेरे शहजादे का ये देखें जी ये इसके बाबा की चाय सा ये इंजन से शर्ट खरीदी थी उनको ये स्टफ़ बड़ी मज़े की लगी थी ये देखें जी ऊपर ये बना हुआ है गोट बनी हुई है शायद या मारहोर बना हुआ है सिंपल शर्ट है ये बैग है इसकी और बड़ी गर्म शर्ट है इवन कि आप स्नोफॉल में भी अब यूज़ कर सकते हैं ये इसकी ब्रेकआउट से पैंट खरीदी थी ये इसके साथ चल जाएगी और मेरा जो शहजादा है वो रेडी होगा ठीक है अच्छा जी ये थे ड्रेस आइडियाज़ जो कि मेरे भी थे मेरे हस्बैंड के भी थे और मैंने बच्चों के भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिए अगर आपकी बेटी है तो अब बेटी को मेरे बेटी जैसी ड्रेसिंग करवा सकती हैं लाजमी नहीं है कि आप लड़ छोटी बच्चियाँ भी हैं तो उनको भी आप फंक्शनल ड्रेसेस जिस तरह वो शरारे हैं या लहंगे हैं वो उस तरह की चीज़ें उनको पहनाएं क्योंकि आजकल सर्दी आपको पता है नेक वगैरह पहननी होती है तो बरीक ड्रेसेस जो हैं बड़ों की तो मजबूरी होती है कि उन लोगों को पेंट शर्ट नहीं पहनना होती मजबूरी होती है ख़ातन की लेकिन आप लड़कियों को अगर इस तरह की ड्रेसिंग करवाएँ तो उससे ये होता है कि थोड़ा सा स्टाइल जो है वो चेंज हो जाता है और लड़कों का तो ड्रेसिंग आप लोगों को पता है कि पैंट शर्ट होती है ये तो ड्रेस आइडिया उम्मीद है कि मेरे सब्सक्राइबर को पसंद आएंगे यूट्यूब फैमिली को पसंद आएंगे फिर भी अगर कोई भी मॉडिफिकेशन आप लोग मुझे बताना चाहेंगे कि इसको इस तरह से करना है तो आप लोगों ने मुझे फीडबैक में बताना है और और कोई आइडिया देना है नेक्स्ट वीलॉग का तो वो भी मुझे ज़रूर दीजिएगा अनटिल द नेक्स्ट वीडियो मुझे स्वाओं का दस को इजाजत दें बाय बाय अल्लाह हाफिज़